अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपने घर और मैं बताऊंगा आपको कि हम कैसे जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे, क्या होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में, बाकी के डिटेल्स मैं आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक कैब हमने बुक किया था, तो कैब वाले भैया आ गए हैं। तो एजाज भाईजान रेलवे स्टेशन तक हमारे साथ होंगे और हमारे साथ जा रहे हैं तो मसना है, मैं हूँ और हमारे बड़े बाजी है। हम तीनों निकल गए हैं रेलवे स्टेशन के लिए। सो हम आए हैं नागपुर रेलवे स्टेशन के पीछे के गेट से, यानी हमारी जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आने वाली थी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पड़ता है आपको ईस्ट गेट, आई थिंक उसको ईस्ट ही बोलते हैं, तो ईस्ट के गेट से पड़ता है। तो आप जब भी आपकी ट्रेन 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे आए तो आप पीछे के गेट से ही यहाँ पर आ जाएं। तो अभी हो रहे हैं 4:40 और जैसे ही मैंने मैसेज चेक करा तो पता चला कि ट्रेन लेट चल रही है, 4:03 ट्रेन लेट थी। मतलब नागपुर में जिनको 1:15 पर आना था तो 4:58 तक के ट्रेन बता रहा था कि आ जाएगी। ये सुनने के बाद बहुत मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि अपने बहुत सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं और जर्नी में ऐसा होता है अक्सर। और अगर मूड ऑफ हो जाए तो उसको ठीक करने का एक ही हिंदुस्तानी तरीका, वो है हमारी चाय या कॉफ़ी। तो हमने चाय पी ली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब भी आप कुछ खाए पिए तो चीज़ें डस्टबिन में ही फेंकें। बच्चे अगर सता रहे हो तो ये प्रैंक करने का अच्छा तरीका है कि हनी निप्पल उनको दे दिया जाए। तो मसना रो रहा था तो उसको हनी निप्पल दे दिए। प्लेटफॉर्म पर ये महाशय कब से पता नहीं क्या विचार कर रहे थे, क्या कर रहे होंगे आप कमेंट करके बताइए। स्टेशन पर जब हम बैठते हैं तो ट्रेन की कितनी याद आती है ना सही में। सो फाइनली ये आ गई हमारी ट्रेन। तो 5:30 लेट होने के बाद फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और हम सेट भी हो गए हैं। देखते हैं आगे जर्नी में क्या क्या होता है, आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ दिलचस्प बातें भी आपसे बताएंगे। तो नागपुर से चल पड़ी है हमारी ट्रेन, बाय बाय नागपुर, आऊँगा जल्दी आप वापस। तो ये लग गया है मेरा सेटअप एडिटिंग के लिए। तो वो कौन सी 5 हैबिट्स है जो हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं अपने पूरे गैजेट्स में सबको चार्ज, फुल चार्ज कर लेता हूँ। कि मैं अपने पूरे प्लान रेडी रखता हूँ, आगे मुझे क्या करना है ये पूरा मैं पहले से नोट डाउन करता हूँ। तो एक पूरा कंप्लीट प्लान मेरे पास होता है कि लिटिल हार्ट बिस्किट से मेरा बचपन जुड़ा हुआ है। अब्बू मेरे लिए हमेशा, कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि रात के वक्त मेरे लिए लिटिल हार्ट्स नहीं लाते थे। आप साथ में मेडिसिन कैरी करें क्योंकि यहाँ पर शोर होता है, लोग आते हैं जाते हैं, इससे आपका सर दर्द हो सकता है, आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। तो आप उसकी मेडिसिन आपके साथ रखें, जब फर्स्ट एड साथ में रखें। तो मसना का पेट भरा हुआ हो और उसका मूड अच्छा हो तो फिर उसकी जर्नी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं अपना टाइम यूटिलाइज करता हूँ, तो एक तो इसमें ऑब्जर्वेशन और दूसरी बात ये कि कुछ काम आप बचा के रखें और वो काम आप जो जर्नी में कर सकते हैं, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, इस तरह के काम आप ड्यूरिंग द जर्नी कर सकते हैं। तो ये है हमारा ट्रेन का कंपार्टमेंट जिसके अंदर मैं पूरी तरह से इंजॉय करते हुए, यूटिलाइज करते हुए अपनी जर्नी कम्प्लीट कर रहा हूँ। 5वीं हैबिट ये है और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप पूरी सेफ्टी अपने साथ रखें। ट्रेन के गेट में खड़े होते हैं, ट्रेन के गेट में बैठते हैं, इससे बचना चाहिए। चलती हुई ट्रेन से उतरना, उससे बचना चाहिए। तो इस तरह के जो प्रिक्वेशंस है वो मैं लेता हूँ। तो ये आया है हमारा डिनर, हमने बुलाया है एक
सादी थाली और एक मछली थाली। तो देखते हैं कैसा है, आपको टेस्ट करके बताएंगे। तो ये है मछली करी, ये मिक्स वेज है और उसी के साथ आया है राइस विथ स्पून। सादी थाली में है मिक्स वेज विद दाल और राइस, उसके साथ साथ ये दो चपाती हमको मिली है। तो आपको मैंने बताया इसमें क्या है, और ये है दो चपाती इसके साथ, इसको वो पराठा बोलते हैं लेकिन आती है चपाती। तो अगर आप भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं IRCTC से तो आप खाना मंगा सकते हैं, एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, या ये कहेंगे कि बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है, जितनी अमाउंट है उसके हिसाब से ये उतना बेहतर नहीं है। तो मैं तो रेफ़र करूँगा कि आप अपने घर से ही फूड लेकर के आए हो सके तो, या कोई अच्छे रेस्टोरेंट से अगर लेकर के आ सकते होंगे तो वहाँ से लेकर के आएँ। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। टेस्ट एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं, नमक तो बिल्कुल नहीं है खाने में। तो आप देखिए, अगर आपको लगता है तो आप खाइए, मैं तो खाता हूँ। सो फाइनली हो गया हमारा डिनर, और डिनर के बाद एज़ यूजुअल मैं लग गया हूँ अपने काम पर, मसना को संभालने में। मसना ने और मैंने खूब मस्ती की, पता नहीं मसना अचानक रोना शुरू कर दिया था। तो अगर आप भी जर्नी कर रहे हैं तो बच्चों के साथ अच्छा घुलिए मिलिए, उनके साथ खेलिए। मैं उतरा हूँ शेगांव में एक मिनट के लिए, और जो हमारे ज़ुबैर भाईजान हैं, एजाज भाई से छोटे वाले भाईजान हैं, उनके साथ उन्होंने कुछ तोहफे के तौर पे हमारे लिए लेके आए हैं। मैं ये घर लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा क्या लेकर के आए हैं। तो इंशाल्लाह फिर ज़ुबैर भाई से और मुलाकात होती रहेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ज़ुबैर भाई, चलो होती है बात, अल्लाह हाफिज़। तो प्लेटफॉर्म आने से पहले पूरा सामान मैंने बाहर निकाला, पता नहीं मैं अकेला इतना सामान उतार पाऊंगा भी या नहीं, देखते हैं आगे। तो बज रहे हैं रात के 10:45 और मैं पहुंच गया हूं नांदूरा। तो नांदूरा में हम आए हैं, इसके बाद हम जाएंगे पीपलगांव राजा, मेरे अब्बू आएंगे लेने के लिए यहां से। तो मैं आपको आगे का बताता हूं। तो आ गई है हमारी गाड़ी हमको लेने के लिए, इसमें हमने अपना सामान पूरा रख दिया है। रात में 11 बज गए थे हमारे को और हम निकल गए हैं अब नांदूरा से। अम्मी भी आए हैं साथ में, मुझे पता नहीं था, सरप्राइजिंग बिल्कुल, अम्मी भी आ गए, अब्बू भी आ गए लेने के लिए। अब्बू है जो गाड़ी चला रहे हैं, इनका नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं आगे के व्लॉग में आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा इनका। तो सो फाइनली हम निकल गए अपने गांव के लिए। ये है हमारा गांव पिंपड़गांव राजा, जो लगता है खमगांव से पहले, नांदूरा के बाद, यानी ये नेशनल हाईवे को छोड़कर अंदर के रास्ते पर आता है। सो फाइनली मैं पहुंच गया अपने घर। जर्नी मैंने आपके साथ शेयर किया, तो होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।